उस रात को योना अपने पापा को ऐसे हालत में देखकर कहती है, सुअन जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ। सुअन कहता है, किंग टू अब कभी नहीं जागेंगे, मैंने उन्हें मार दिया है। योना के आंखें बता रही थी कि वो कितनी बड़ी सदमे में है। सुअन कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हक देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है। कुछ गार्ड्स बात करते हुए कहते हैं कि सारे गेस्ट्स और सिविल ऑफिशियल्स ज्यादा पीने के वजह से जल्दी सो गए हैं। सिर्फ जनरल हक का होना ही एक चिंता की बात है। हक पूछता है, किसी चिंता, मुझे विस्तार से क्यों नहीं बताते। वो सैनिक उसके ऊपर हमला करने आते हैं। इधर योना सुअन से कहती है, मेरे पापा ने तुम्हें बचपन से बहुत प्यार दिया है। सुअन कहता है, मैं भी किंग टू से बहुत प्यार करता था। मुझे यकीन था कि वो दयालु है, पर मैं गलत था। क्या तुम्हें मेरे पापा यूहोन याद है? वो बचपन से ही साहसी और समझदार थे। वो एक वॉरियर बने और वो हमेशा हमारे सैनिकों को जीत दिलाते थे। सब उन्हें अगले राजा के रूप में देखना चाहते थे, पर 10 साल पहले वाला राजा किंग जूनाम ने मेरे पापा के बचाई चाचा टू को खोका कर राजा बनाया। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कमजोर टू को क्यों चुना गया। पर मेरे पापा हमेशा हंसते रहते थे। वो फिर भी सीमा पर लड़ाई करके अपने भाई और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते थे। मैं उनका सम्मान करता था और आशा करता था एक दिन स्ट्रॉन्ग बन के उनके साथ लड़ाई करने जाऊंगा। पर एक दिन किंग टू ने अपने ही भाई यूहोन को जान से मार दिया। योना कहती है, नहीं वो तो एक एक्सीडेंट में मरे थे। सुअन कहता है, वो बस एक झूठी कहानी है। किंग टू ने मेरे पापा को तलवार से मारा था। समझी, किंग टू जो हथियारों से नफरत करते हैं और युद्ध से दूर रहते हैं, उन्होंने मेरे पापा को तलवार से मारा है और यही सच्चाई है। मैंने मेरे पापा का प्रतिशोध लिया है। मैं कोका देश का राजा बनूंगा। योना को ये सब अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था। सुअन पूछता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने रात को जगी हुई होंगी। मैंने सुना था तुम किंग के क्वार्टर को बहुत ही कम विजिट करती हो, तो आज तुम यहाँ क्यों आई राजकुमारी योना? योना कहती है, क्योंकि मैं पापा को बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये सुनकर सुअन हैरान होता है। इस टाइम उसका साथी केसुक आकर कहता है, लॉर्ड सुअन, आज आपने आपकी एक बहुत पुरानी इच्छा को पूरा कर लिया है। क्या राजकुमारी योना ने आपको देख लिया है? जल्दी उसे खत्म कर दीजिए लॉर्ड सुअन। योना डरते हुए वहां से भागने का कोशिश करती है। इस बीच कॉटन में आग लग जाता है। केसुक इसे बुझाने के लिए कहता है, क्योंकि ये ध्यान खींचेगा। मौका पाकर योना यहाँ से भाग जाती है और जाते हुए मन में सोचती है, वो इंसान जिसने मेरे पापा को मारा और अब मुझे मारना चाहता है, वो कौन था? वो मेरा प्यारा सुअन तो नहीं हो सकता। योना को पकड़ लिया जाता है। इस टाइम भी योना सुअन के बारे में ही सोच रही थी। एक सैनिक उसे जान से मारने वाला था कि हक आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, मुझे पता था लॉर्ड सुअन रात को यहाँ है, तो मैं तुम्हारे रास्ते से दूर रहना चाहता था। सारे गार्ड नज़र रखने के बजाय एक साथ है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। आखिरकार इन सब का क्या मतलब है लॉर्ड सुअन? इस समय में योना हक को बुलाती है। हक कहता है, आपको अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी योना। योना पूछती है, हक क्या तुम मेरे लिए यहाँ हो? हक स्माइल करके कहता है, राजा ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। चाहे जो भी हो मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। केसुक कहता है, पीछे हटो न कर कही के तुम किंग सुअन हिरिव कैसल के नए मास्टर के सामने खड़े हो। ये सुनकर हक कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूछता है, लॉर्ड सुअन किंग टू कहाँ है? सुअन कहता है, मैंने उन्हें नर्क को भेज दिया है। हक कहता है, क्या तुम नशे में हो? क्योंकि एक जोक के हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ी बात है। सुअन कहता है, योना से पूछो, उसने राजा के मौत को अपने आंखों से देखा है। हक बहुत गुस्से में सुअन पर हमला करता है। सुअन अपने सैनिकों को कहता है, पीछे रहो, उसके पास जाओगे तो मारे जाओगे। तुम्हारे सामने खड़ा आदमी सन हक है, हिरियो कैसल का धड़कन और 5 जनरल्स में से एक, कोका का थंडरबिस्ट। हक कहता है,
सुओन, क्या तुम सत्ता को पाना चाहते हो? तुमने हमारे दयालु राजा पर तलवार चलाया, क्या तुम्हारा विवेक तुम्हें सहमति दे रहा था? सुओन कहता है, इस देश को किसी कमजोर राजा की जरूरत नहीं है। फिर वो उस पर हमला करता है। केसुप कहता है, सनहक, वो उन ट्राइब का हेड मुंडोक का पोता है। उसके ब्लेड का एक ब्लो बिजली की तरह लगता है, जिसकी वजह से उसे थंडरबिस्ट ऑफ कोका कहा जाता है। इनके लड़ाई के बीच दखल देते हुए वो कहता है, बस बहुत हुआ। हक देखता है कि राजकुमारी योना को कैप्चर कर लिया गया है, तो वो लड़ाई करना बंद कर देता है। हक सुअन से कहता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। केसुप कहता है, हिरियु कैसल में रहने वाले तुम और राजकुमारी योना कभी भी लॉर्ड सुअन के फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे। सुअन कहता है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। योना पूरा टूट चुकी थी। इस वक्त एक तीर वहां गिरता है। डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर हक सैनिकों को मार के योना को साथ लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसे मिंसू मिलता है, जिसने ही वो आरोप फेंका था। हक राजकुमारी को उसे सौंप कर सैनिकों को ठिकाने लगाता है। फिर ये तीनों एक जगह पर छुप जाते हैं। मिंसू ये जानकर दुखी था कि किंग टू अब नहीं रहे। हक कहता है, अगर हम पकड़े गए तो हमें जरूर मार दिया जाएगा। मिंसू कहता है, मैं तुम लोगों को कैसल के बाहर पहुंचाने में मदद करूंगा। वो एक लड़की का कपड़ा उड़कर कहता है, मैं उनका ध्यान खींचूंगा और मौके का फायदा उठाकर तुम दोनों भाग जाना। उस कपड़े के साथ मिंसू भागने लगता है। सैनिक भी उसके पीछे जाते हैं। हक दरवाजे के जरिए योना को लेकर बाहर चला जाता है। मिंसू पर सैनिक तीरों की बारिश कर रहे थे। आखिर में राजा और राजकुमारी को याद करते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। सुअन कहता है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए एक पार्टी भेजूंगा। जनरल हक कैपिटल फुगा के पहाड़ी गांव में पला पड़ा है। कैसल के लोगों के लिए उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। योना बहुत थक चुकी थी, तो वो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते है। योना कहती है, क्या मिंसू मर चुका है? क्या मैं भी मरने वाली हूँ? क्या सुअन तुम्हें भी मार देगा? हक कहता है, मैं उस नमूने को अपना लाइफ नहीं दूंगा। योना कहती है, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर के लिए हक सुअन के इन सारी हरकतों को याद करता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। महल में केसुप सुअन से कहता है, लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है कि कुछ तो अजीब है। अब हम क्या करें लॉर्ड सुअन? हक कहता है, चलो चले राजकुमारी, हमारा पीछा करने वाले आ रहे हैं। योना कहती है, आज मैं पापा को शुक्रिया तक नहीं कह पाई, मैं अब कहाँ जाऊंगी? हक उसे गले लगा के कहता है, हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें जाना होगा। जिंदा रहकर ही आप राजा के फीलिंग्स को रिटर्न कर सकती हो। अभी का योना अपने आप से कहती है, मेरे 16th बर्थडे पे मैंने अपना फैमिली, मेरा घर और मेरे पसंदीदा लोगों को खो दिया था, और अब किस्मत मुझे वर्तमान में ले आई है। योना के साथ ही सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला, एक जिसका एक हाथ नुकीले पंजे जैसा है। हक और योना का वो चौथा साथी सैनिकों से लड़ते हैं। उसका पांचवा साथी उसे सैनिकों से प्रोटेक्ट करता है। योना निशाना साधते हुए मन में कहती है, मैं जिंदा रहूंगी मेरे पापा के प्यार और दोस्तों के काइंडनेस का कीमत चुकाने के लिए।